अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अभी जो है ना हम लोग गंबट बुराक पे पहुंचे हैं। यूसुफ भाई गाड़ी के अंदर जो है ना आराम से नींद खींच रहे हैं, ठीक है। धुआं देख रहे हैं आप लोग कितना निकल रहा है। अभी तो मोटरवे स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी जो है ना यहाँ से तकरीबन 10-15 मिनट बाद जो है वो मोटरवे स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का दिन स्टार्ट करें सही है, फजर की नमाज सही है। देखें यहाँ पे बड़ी प्यारी सी मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पे हम फजर की नमाज पढ़ते हैं और आज के जर्नी में आपको अपने साथ लेके चलते हैं। आ जाए है, पानी ठंडा नहीं है? ओहो शुक्र शुक्र शुक्र। ये देखें आप कितनी फॉग है यार, बिल्कुल बिल्कुल वाइट हो रहा है, ऐसा दरक नज़र ही नहीं आ रहा है। चले भाई अब हम लोग निकलते हैं मोटरवे के लिए। जो है ना भाई कीकी के नाश्ता करने का टाइम आ गया है। हम नाश्ता करें टाइम पे ना करें, लेकिन इसका नाश्ता करना ज़रूरी है, ठीक है। ये देखें कैसी कवर्ड हुई हुई है, ये इसका खजाना है भाई। और जैसे हम बच्चों को खिलाते हैं ना घर पर, ऐसे ही खिला रहे हैं बेटा आपको। वो नीचे से डालना, वो जो दरवाज़ा है ना उसमें से। हाँ वैसे ये देखिए कितने प्यार से लिया यार इसने, जबरदस्त माशाल्लाह। चलो निपटाओ निपटाओ जल्दी खाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हो गई सुबह आपकी बेटा। ये बच्चा जब भी हमारे साथ आता है ना सिर्फ सोता रहता है, या तो मस्तियां करेगा या सो जाएगा। 5:30 बजे तक मैं उठा हुआ था। जी जी भी सो गए थे, सबने नींद। ओए होए होए होए। और आमिर भाई जो है ना सुबह की चाय यहाँ पे पीते हुए बनाते हुए देख ले भाई, और हम अपने लिए कुछ यहाँ से देखते हैं, क्योंकि ये वाला जो गंबट का बुराक है ना इसके बाद फिर आपको काफी देर तक कोशिश करनी चाहिए कि आप ड्राइव करें, इसके बाद ही कहीं रुकें। हमारी कोशिश ये होगी कि हम जोहर के टाइम पे रुकें कहीं पे, इससे पहले ना रुकें ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम जल्दी से जल्दी जो है ना अपना सफर क्रॉस करें। अब हम लोग बुराक से निकल रहे हैं, देखें कितना खूबसूरत व्यू है सनराइज का, जबरदस्त माशाल्लाह। अभी तो हम लोग मोटरवे चढ़े नहीं है, ये देखें हैजर्ड ऑन कर दिया दोबारा। आगे आप धुंध चेक करें, ये देखें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है भाई, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मोटर पे अल्लाह खैर करे, बस सुकून का मामला हो भाई। यहाँ पे देखें आप विजिबिलिटी जो है ना, समझ लें कि आप बिल्कुल जीरो हो गई है आगे का, और बिल्कुल कुछ भी नहीं नजर आ रहा। ओए होए 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 भाई क्या हो गया। ख्याल से भाई आगे, हाँ ये देखें आगे ट्रक तो अभी नजर आया है, देख रहे हैं आप लोग बिल्कुल। धुन ने फिर पकड़ लिया भाई स्ट्रिप पे, यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा ओए होए, यहाँ तो साइड में लगा लेनी चाहिए। अबे साइड में भी नजर नहीं आ रहा कहीं नीचे कोई खाई वाई ना हो भाई। अबे ऐसा लग रहा है कि हम आसमान पे आ गए सही है। ये देखिए भाई यहाँ पे बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, पूरी गाड़ी खत्म हो गई है, ट्रक के अंदर घुस गई भाई। सुबह के 8 बज गए हैं, यहाँ पे जो है ना कुछ शॉप्स नजर आई हैं, यहाँ पे हम जरा पूछते हैं कि फ्यूल फिल्टर का कुछ हो सकता है नहीं। अब जो है ना फ्यूल फिल्टर को जो है ना यहाँ से खोला जा रहा है भाई, चेक करें आप। अब देखें ये खोला है भाई और ये है फ्यूल फिल्टर, ठीक है। ये बता रहे हैं कि ये पूरा चौक हुआ हुआ है, तो अब ये नया डालना पड़ेगा भाई। यहाँ से फिल्टर जो है ना हमने चेंज करा लिया, ये दूसरा लगा लिया सही है। और कितने का? 2400 रुपये का। फ्यूल फिल्टर जो है ना हमने चेंज करवा दिया, लेकिन ये एरर अभी तक दे रहा है। अब इसने ये कहा है कि एरर ये देगा, हो सकता है आपको जो है ना स्कैन स्कैन करा के जो स्कैनर लगता है उसके ऊपर जाके वो रीसेट करवाना पड़ेगा। तो अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये किस तरीके से होता है, ठीक है। वैसे हमने इसका जो तार होता है ना ट्यूटोरियल देखा था यूट्यूब पे, उससे निकाल के 15 सेकंड बाद दोबारा लगाया, लेकिन फिर भी ये एरर रिमूव नहीं हुआ है। अब हम आगे जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे वहां किसी को दिखा देंगे इंशाल्लाह। मोटरवे के पास तो हम लोग पहुंच गए हैं, ये है रोडी टूल प्लाजा, और देखें पूरा धुंध की वजह से, हालांकि धूप आ गई, ये धुंध तो है नहीं अभी, लेकिन ये देख लें पूरा ब्लॉक है अभी बंद किया हुआ है ना। ये देखें पूरी क्यू है, वो क्यू चलते 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 ये देखें यहाँ तक भी, और ये पूरी और पीछे तक जा रही है। पता नहीं है कितना टाइम हमारा जो है ना यहाँ पे वेस्ट होगा भाई। 9:15 हो रहे हैं और हम लोग फाइनली 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 टूल प्लाजा से एंटर हो रहे हैं मोटरवे के लिए। हम इसके क्रूज के मजे लेंगे, बड़ा मजा आ रहा है क्रूज लगा के जो है ना, टेंशन ही नहीं होगी। यहाँ गो के गैस स्टेशन के ऊपर हम लोग रुके थे और यहाँ पे जो है ना एक फैमिली मिली है हमको, सही है, हमारे सब्सक्राइबर हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? लाहौर साइड पे जा रहे हैं, अच्छा जबरदस्त। कैसा चल रहा है अभी तक ट्रिप आप लोगों का? बेहतरीन है, चले माशाल्लाह गुड है भाई, हैव अ सेफ ट्रिप, ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छी लग रही है ये बंदरी, अच्छी लग रही है, रख लो। इसके अंदर दो जिन है असल में, इसके अंदर ना, हाँ, आदमी की आवाज़ में भी जो है ना वो जिन बात करता है, औरत की आवाज़ में भी बात करता है।
इसकी आंखों में बिल्कुल भी नहीं देखना जानी। हाँ भाई, एक और बार हमारा जो है ना यहाँ पे पिज्जा आ गया, ठीक है, लेकिन मेरी नींद से ऐसी हालत हो रही है अभी डाइट के, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मतलब अभी जो है ना मैं तो ये नहीं समझ आ रहा कि ब्लॉग कैसे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन करूंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी, ब्लॉग कंटिन्यू करूंगा। लेकिन जो है ना मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो है ना पीछे आमिर भाई का तकिया पकड़ के जो है ना खींच के सो जाऊँ पीछे आराम से, और आमिर भाई ने जो है ना बहुत मजे किए। अब आमिर भाई मैं सोच रहा हूँ यहाँ से गाड़ी चलाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, चले हैं। पहले तो बिस्मिल्लाह करें, आप लोग भी बिस्मिल्लाह करें, हम लोग भी बिस्मिल्लाह करते हैं। चले आप। ओहो हो हो हो, क्या बात है, क्या बात है, ये देखें फ्रेश ही फ्रेश है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मजा आ गया। चलो बेटा जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, अब जो है ना मुझे तकिया दे दो गाय। ओहो हो, तकिया तो सामने लगा हुआ है भाईजान, ये अपना बिस्तर तैयार है यहाँ पे, अब बस हमने सोना है यहाँ पे, ऐसे करके आराम से सोएंगे। बड़ी मस्त नींद आई थी, गाड़ी क्यों रोक दी, कहाँ गए ये लोग सारे? 3:30 बज रहे हैं और ये लोग कहीं रुके मेरे ख्याल से सर्विस एरिया में। नींद अच्छी खींच ली आपके भाई ने वैसे। कीकी कैसी हो, फुल बनाना शराना मिल रहा है ना टाइम पे? भाई इस ट्रिप की जो है ना सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि हम बगैर नाइट स्टे किए रास्ते में हम लोग डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, क्योंकि दो बंदे हो ना जो ड्राइव करने वाले हो, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आज है फ्राइडे, कल सैटरडे संडे वाइल्ड लाइफ के ऑफिस बंद होंगे। अगर हम आज जल्दी पहुंच जाते हैं कि वहां पे वाइल्ड लाइफ का ऑफिस जो है वो खुला हुआ हो, तो फिर तो जो है ना हम लोग हकीकी को हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग लेट हो जाते हैं तो फिर जो है इसको किसी दोस्त के घर पे रखेंगे हम लोग, और फिर जो है ना हम लोग एडवेंचर करने के लिए कहीं निकल जाएंगे, और फिर वापसी में मंडे वाले दिन इसको हम वापस लेंगे अपने दोस्त के घर से, और इसके बाद फिर वाइल्ड लाइफ वालों को दे के फिर जो है वो कराची निकल जाएंगे। तो ये अभी तक का सारा प्लान है, ठीक है। उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो, इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त का खोना ठीक नहीं है, उठ जाओ। हम जो है ना नमाज असर यहाँ पे अदा करेंगे। जब इंसान एक अच्छे काम के लिए अच्छी नीयत के साथ निकलता है ना तो बड़ी आसानियां पैदा होती हैं। अभी जो है ना मंकी वाले काम के अंदर एक बड़ी पेशरफ तो ये वो क्या हुई है मैं आप लोगों को इस्लामाबाद पहुंच के बताऊंगा। अच्छा तो यहाँ पे कॉफी चल रही है, अच्छा गिराते गिराते आए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा जल्दी शाम की दवाई दो कीकी को, शाबाश केला जी के दो। ये देखे भाई सनसेट चेक करें यार, कीकी जो है ना जब से हमने कल इसको लिया है ना वहां से मिनी जूसेस की आवाज बिलियों जैसी हो गई है। ये आवाज निकाली ऐसे करके कोयल की तरह आवाज निकालने लगी, पहले इस तरह नहीं निकालती थी। इस वक्त इस्लामाबाद से हम लोग 2 घंटा 44 मिनट जो है ना सिर्फ दूर है, और यहाँ पे देखें यहाँ मोटरवे के करीब में जो है ना आप लोगों को फिर फॉग नजर आ रही होगी। ये देखें सामने, देखें ये सिलसिला है यहाँ पे, बस अल्लाह करे आगे सारा सिलसिला क्लियर हो। इस वक्त हम लोग जो है ना सरगोधा के पास से गुजर रहे हैं। लास्ट वाले ट्रिप के अंदर तो हम लोग सरगोधा नहीं उतरे थे और कीनू के बागात में नहीं गए थे, लेकिन इस सफर के अंदर वापसी में हम जाएंगे भी, और इंशाल्लाह अपने पीछे जो है ना रेपो के अंदर भर के भी लेके जाएंगे अपने साथ। 7:19 हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए। अब मंकी के हवाले से क्या अपडेट है, हमें उस तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो अभी मंकी को जो है ना वाइल्ड लाइफ के हाथ में देना है, क्या हमने अरेंजमेंट किया, किस तरीके से किया, ये सारी चीजें आपको बताते हैं। फिलहाल हम लोकेशन का वेट करें, जैसी लोकेशन आती है तो फिर हम उस तरफ बढ़ते हैं। टैग लगाने का फायदा ये है कि आप एमटेक की लाइन के अंदर जाए रश भी नहीं होता। खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ, जल्दी खुल गया, ये आसानी होती भाई एमटेक की। जा रहे हैं दामने को वाली साइड पे, यही ऑफिस यही ऑफिस, उसको बंदे को कॉल करो बोलो हम आ गए। ये देखिए ये वाइल्ड लाइफ का ऑफिस है, क्या लिखा, IWMB मरगला वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर। अच्छा अब मैं जो है ना आप लोगों को पूरी कहानी बताता हूँ। 15 मंकीज के साथ सिंध वाइल्ड लाइफ ने मुझे बोला कि आप जाएं, सही है, फिर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं 15 मंकीज अभी हम नहीं भेज सकते, तो इसकी वजह से हमारा पूरा केज भी जाया हो गया, अच्छा खासा महंगा जो हमने बनवाया था। इसके बाद हमने जो नीयत की थी हमने बोला भाई जान हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम कीकी को अपनी गाड़ी में डाल के ले गए अपने ओन के ऊपर, सही है। इसके अंदर जो है ना सिंध वाइल्ड लाइफ का कोई भी पार्ट नहीं था, ये हमने अपने ओन पे किया। हमने अपने दोस्त से राबता किया अली एहतशाम से, उन्होंने जो है वो अपने दोस्त को यहाँ पे भेजा। मीन वाइल जितनी देर हम ट्रैवलिंग कर रहे थे ताकि टाइम जाया ना उन्होंने यहाँ पे भेजा शाम में, और उन्होंने जो है वो फिर हमारी एडी से बात करवाई, और एडी से बात कराने के बाद एडी ने पूरी सिचुएशन हमसे पूछी कि भाई क्यों लेके आ रहे हैं, क्या सिलसिला है, कहां से आया मंकी, ये वो हमने सब कुछ बताया। इसके बाद फिर उन्होंने अपने स्टाफ का नंबर दिया हमको यहाँ पे, और फाइनली हम लोग जो है ना यहाँ पे ऑफिस पे पहुंचे इनके। तो ये जो है ना हमने सिंध वाइल्ड लाइफ के साथ मिलकर नहीं किया काम, ये सारा हमने अपने ओन पे किया।
ये देखें भाई, ये आ गए हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ वाले भी माशाल्लाह सही है, और यहाँ पे जो है ना हम इनको हैंड ओवर करने जा रहे हैं अभी। फाइनली 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 बड़ा एक्साइटमेंट का जो है ना मोमेंट है ये हमारे लिए। अरे ठंड को छोड़ो यार, खुशी खुशी का लेवल चेक करो यार, मेहनत हमारी कामयाब हो गई है। ये जो है तकरीबन दो महीने दो ढाई महीने से हमारे पास सही है। उससे पहले असल में मैं अपने लिए बर्ड लेने के लिए गया था मार्केट, यहाँ मैंने देखा किसी ने यार इसको पिंजरे में पड़ा हुआ था, तो मैंने खरीद लिया था। मैंने बोला इसको जब मैं इस्लामाबाद जाऊँगा ना ले जाऊँगा, तो बस फिर मैंने जो है ना इसको आमीन कीकी। अच्छा हमने इसका नाम भी रख दिया था कीकी, सही है ना कीकी, आ जाओ। सबसे डन है सारी चीज़ें सही है। अरे नहीं सर, थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं नहीं, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने कोऑपरेट किया माशाल्लाह। ठीक है भाईजान, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाईजान, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके भाई, फाइनल गुड बाय आपको। ठीक है, हमें बड़ी खुशी है कि आप जो है ना अपनी जगह पे पहुंच गए इंशाल्लाह। भाई इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ वालों से मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, सही है, बड़े कोऑपरेटिव थे और बड़ा अच्छा वार्मली इन्होंने जो है ना वेलकम किया। हालांकि कोई भी प्री प्लान चीज़ें नहीं थी, मतलब इनको नहीं पता था कि हम लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे। अभी आधा घंटा पहले इन लोगों से कोऑर्डिनेशन हुई है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इवन इन लोगों ने बोला कि यार आप जो है ना होटल क्यों करवा रहे हैं, हम आपको जो है वो एकोमोडेशन देते हैं, आप हमारे पास ही रुकें, कल आप आराम से निकल जाइएगा। तो यार ये होती है चीज़ ना, मतलब देखें हम एक काम करने आए थे, इन्होंने वो काम हमारा करवा दिया। अच्छा अब मैंने इनसे पूछा ये कि कीकी के साथ क्या करेंगे ये लोग, क्यों डायरेक्ट रिलीज करेंगे या नहीं करेंगे। इन्होंने बोला नहीं, हम इसको कुछ टाइम तक रखेंगे वाइल्ड एनवायरनमेंट के साथ, हमारे जो है ना बड़े बड़े केजेस बने हुए हैं उसमें कुछ टाइम तक ये रहेंगे, रिहैबिलिटेशन होगी बेसिकली, जब ये एनवायरनमेंट के साथ यूज्ड हो जाएगी इसके बाद इसको रिलीज किया जाएगा। और क्योंकि इसकी एज छोटी है, ये छोटी फीमेल मंकी है, तो इसको जो है ना हम थोड़े मतलब जल्दी कोशिश करेंगे कि रिलीज करें। तो ये इसका बाकायदा प्रोसेस होता है, डायरेक्ट जो है ना इसको नहीं छोड़ सकते। तो यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और यही सारी चीजें जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हो जाएंगी। ये है इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क फैसल मस्जिद, और मैं बहुत अरसे बाद जो है ना यहाँ पे मतलब इसके पास से जो है वो गुजर रहा हूँ। हमारी एकोमोडेशन बेसिकली इसके आसपास ही कहीं है। अच्छा देखिए आप, ओए होए ये तो फुल ऑफ रोडिंग जंगल में आ गए हम लोग ऊपर यार, ओए होए 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 भाई जबरदस्त, इधर लेके जाओ अंदर, वाह एक और गाड़ी खड़ी है इनकी, ओए होए जबरदस्त। अब भाई मिशन तो हमारा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार, सही है। लेकिन अब टाइम हो रहा है क्या हो रहा है, 8:46 और यहाँ पे जो है ना एक मार्केट के पास हम पहुंचे, यहाँ पे बड़ी रौनक लगी हुई है। लेकिन हम जो है ना आगे पीछे जरा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि भाई खाने पीने के क्या ऑप्शन हैं, क्योंकि पेट में जो है ना चूहे दौड़े हैं। खाने की खोज में जो है ना हम लोग अब F10 मरकज पहुंच गए हैं, और अब यहाँ पे देखते हैं अगर कुछ समझ आया तो यहाँ पे खा लेंगे। भाई पार्किंग हमको मिल गई यहाँ पे, अब गाड़ी लॉक करके जा रहे हैं, लेकिन हमारा सारा कपड़े वपड़े जो है ना यहीं पे पड़े हुए और यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, देखते हैं यहीं रहते हैं वापसी में, यानी जैकेट निकालिए क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत है। आमिर भाई ने बोला कि यार ये थोड़ा सा सही लग रहा है सेटअप दिखने में, तो अंदर चलते हैं जरा देखते हैं क्या सीन है। खाना आ गया है भाई, ये जिंगर आ गया हमारा, हमने ना जो है ना तीनों ने जिंगर ही मंगा लिया था, आज हमने यूसुफ की ख्वाहिश जो है ना पूरी कर दी, जिंगर मंगा लिया खुद अपने लिए भी और यूसुफ के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नॉर्मल एवरेज है अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट बैड। यहाँ देखें भाई पिंक कलर की चाय बन रही है, पिंक कलर की कश्मीरी चाय बन रही है। भाई हमारी गाड़ी के अंदर सामान पड़ा हुआ वो सारा, क्या कहते हैं आप? नहीं मुझे ऐसा लगता है होगा, कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं हुई होगी इंशाल्लाह। और सारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह जगह पे मौजूद है। चलें भाई अब जो है ना हम लोग अपने एडवेंचर वाले घर पे आ गए हैं, जो कि एक दिन का हमें गेस्ट हाउस मिला है। और ये देखें दोबारा एक बार और हम यहाँ से ऊपर फुटपाथ के ऊपर जो है ना चढ़ा देंगे गाड़ी। ओए 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 यूके में जो की थी ना वो याद आ गई मुझे, ऑफ रोडिंग ये आ गया भाई। सन्नाटा चेक करें, इस वक्त हम लोग जंगल के अंदर हैं, जंगल के अंदर, ठीक है। गाड़ी को लॉक कर दिया और अपना सामान उठा लिया भाई, चले भाई। और ये है हमारा कमरा, आपको दिखाते हैं, ये है भाई सीन, ये है सारा सीन हमारा, ठीक है। वहाँ मैं सो जाऊँगा या आमिर सो जाएगा और यहाँ यूसुफ सो जाएगा। और पानी पता है गर्म कैसे करेंगे हम लोग, ये देखें ऐसे करेंगे, ये है पानी की बाल्टी में जो है ना डाल देंगे इलेक्ट्रिक में डाल के इसको, और पानी गर्म हो जाएगा, इससे गुजारा होने वाला है हमारा, देख रहे हैं फुल एडवेंचर है। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को ये एडवेंचर, मजा आया कि नहीं आया? हमें तो बहुत मजा आया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने नियत की थी, जो मैंने एक प्रॉमिस किया था कि यार ये मंकी को हमने इस पर्पस के लिए लिया है,
वो अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील तक आप लोग कह सकते हैं कि जो है ना हमने पहुंचा दिया। अब इंशाल्लाह इसको 15-20 दिन के अंदर ये लोग एनवायरमेंट के साथ थोड़ा सा यूज टू करके रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा, वाइल्ड लाइफ वाले आए और मतलब यार हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर बहुत VIP एक्सपीरियंस हो गया। तो अब जो है ना कल के दिन हम लोग जो है वो एक एडवेंचर ट्रिप प्लान कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है और इंशाल्लाह कल ही आपको पता चलेगा कि हम कहां जा रहे हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अस्सलाम वालेकुम।